नमस्कार, आप देख रहे हैं पुरवैया दिनभर। इस वक्त की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं राहुल शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 दिसंबर से रोजाना अलग अलग विभागों की समीक्षा कर रहे हैं। आज नगर विकास और आवास विभाग की समीक्षा बैठक के बाद कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में यह फैसला लिया गया कि गरीबों के आवास के लिए पटना में हाउसिंग बोर्ड 5000 फ्लैट बनाकर देगा, साथ ही हर शहर में गरीबों के लिए मकान बनाकर दिए जाएंगे। मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर जल्द से जल्द काम करने का निर्देश भी दिया गया। सभी घरों में पाइप वाटर सप्लाई, सभी गलियों में पक्की सड़कें और नाला बनाने पर चर्चा की गई और निर्धारित समय में जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कहा गया। इसके अलावा मंत्री महेश्वर हजारी ने स्मार्ट सिटी योजना को लेकर सवाल भी उठाए। सीएम साहब, जो हम लोगों के प्लानिंग है उसे बहुत आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्साहित हैं और उन्होंने मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में, जो मेट्रो प्रोजेक्ट था उसके संबंध में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द बना करके इसको कैबिनेट में लाइए, कैबिनेट से हम अप्रूवल देंगे, उसके बाद भारत सरकार के पास जाइए। और मेट्रो पर बहुत ही हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मतलब हैं, जो जल्दी से जल्दी हो। नगर विकास विभाग के बाद सीएम नीतीश कुमार ने भूमि और राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद विभाग के प्रधान सचिव व्यास जी ने बताया कि बैठक में भूमि सर्वेक्षण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा भू अर्जन और सीलिंग को लेकर भी निर्देश जारी किए गए और उनको भू अर्जन के मामले की भी जानकारी हम लोगों ने दी। यह निर्देश हुआ कि भू अर्जन के गति को तीव्र करने के लिए राज्य के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को सहायक भू अर्जन पदाधिकारी की शक्तियां विभाग द्वारा प्रदत्त कर दी जाएं अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी अपने विभाग की समीक्षा की। बैठक में सभी 38 जिलों के सिविल सर्जन और स्वास्थ्य समिति के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा हुई। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि लोगों को सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि सभी डॉक्टरों को सख्त निर्देश दिया जा चुका है कि इलाज में किसी तरह की कोताही न बरतें। नकली दवाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। दिया गया सारे डॉक्टर्स को कि टाइम पे आएं और टाइम पे मरीजों का इलाज किया जाए और जो 24 जो इमरजेंसी सेवा जो है वो 24 आवर्स उपलब्ध हो। मित्रा रोड से नकली दवाओं का जो आप देखेंगे ये जो लोग बेच रहे थे उनको हम लोगों ने जो कार्रवाई करने का जो काम किया है उसको हम लोग पकड़ रहे हैं और उसको कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। दवा नीति वही है, नहीं है ऑलरेडी हमने दवाओं के क्रय के लिए टेंडर्स फ्लोट किए हैं और निविदाएं इनवाइट की हैं, निविदाएं हमें प्राप्त हुई हैं। वो प्रक्रिया में समय लग रहा है और बहुत जल्दी हम दवाओं को क्रय करके कॉरपोरेशन के माध्यम से सप्लाई करेंगे। इस बीच में जिला के पास फंड्स उपलब्ध हैं और उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपने टेंडर्स में रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करके दवाओं का क्रय करके सप्लाई करेंगे। देश के सबसे युवा डिप्टी सीएम हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी आरजेडी का भविष्य माने जाते हैं और बिहार का सियासी भविष्य भी उनमें देखा जाता है। जी पुरवैया पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार में शराबबंदी की घोषणा समेत सूबे के विकास के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जनता के सामने रखा। हमारी नीति है कि पूर्ण रूप से शराब बंद करना, बट पहले स्टेप में ही पूर्ण रूप से नहीं होगा इन चीज़ों को, क्योंकि प्रैक्टिकली हमको करना, तो इन सब चीज़ों को हमको जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसको भी देखते हुए उसको हम कैसे टैकल करेंगे, ये हम लोगों ने ये विस्तार से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया गया है जो कि काफ़ी सराहनीय है। और मेरे ख्याल से जिस टाइप का जो स्टेप उठाया गया है मुख्यमंत्री जी का, तो हमें पूरा भरोसा कि जल्द से जल्द ये पूर्ण रूप से भी शराब और लोगों की जो जागरूकता है कि अच्छा या बुराई की, इसमें भी काफ़ी फेरबदल होगा। काफ़ी न्यू कैबिनेट है, काफ़ी नए चेहरे हैं इसमें और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि शायद पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा, बट एक महीने के अगर काम से देखा जाए तो मेरे ख्याल से लोग संतुष्ट भले ही होंगे, लेकिन हमारा सरकार संतुष्ट नहीं है, हमसे संतुष्ट नहीं है। हम जब तक अपने एजेंडे को जब तक पूर्ण रूप से हम पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक हम संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। हमको काम करना है, बहुत काम बाकी है,
बिहार को आगे हमको ऊंचाइयों तक हमको पहुंचाना, एक एग्जांपल हमको सेट करना। बहुत ही ईमानदार। नहीं, ये हम लोग कमिटेड हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पीएम नरेंद्र मोदी के लिए अलग राय रखते हैं। जी पुरवैया से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी ने पीएम को फ्यूचरिस्टिक बताया है। नरेंद्र मोदी फ्यूचरिस्टिक। नरेंद्र मोदी फ्यूचरिस्टिक। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता सुशील मोदी ने बुलेट ट्रेन पर लालू प्रसाद यादव को निशाने पर लिया तो अपनी ही पार्टी के एमपी कीर्ति झा आजाद पर भी जमकर बरसे। सुशील मोदी ने कहा कि पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। बुलेट ट्रेन को लेकर बीजेपी में भले ही उत्साह हो लेकिन रफ्तार का ये आइडिया लालू प्रसाद को पसंद नहीं आया। आरजेडी सुप्रीमो ने बुलेट ट्रेन को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में लालू प्रसाद ने बुलेट ट्रेन से होने वाले नुकसान का जिक्र किया है। लालू की चिट्ठी का जुबानी जवाब पटना से सुशील मोदी ने दिया। देखिए, अगर लालू यादव का बस चले तो सारी रेलगाड़ियों को पैसेंजर गाड़ी में बदल दें, वो सारे 4 लेन और 6 लेन को पगडंडी में बदल दें। यही लालू यादव जो एक समय में IT-YT क्या होता उसका मजाक उड़ाते थे, तो लालू यादव 19वीं सदी में जी रहे हैं। सुशील कुमार मोदी ने बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद के खिलाफ भी मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि दरभंगा सांसद के साथ साथ उन तमाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने में जुटे हैं। नहीं देखिए, कीर्ति आजाद और कीर्ति आजाद के समान बिहार के कई सांसद हैं जिन्होंने पिछले दिनों पार्टी के लिए बड़ी असहज स्थितियां पैदा की हैं, पार्टी को एम्बरेस करने का काम किया है और कहीं ना कहीं ये विरोधियों के हाथ में खेल रहे हैं। तो पार्टी को ऐसे लोगों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बीजेपी के सामने अब सूबे में संगठन को मजबूत कर आगे बढ़ने की चुनौती है। ऐसे में केंद्रीय नेताओं के खिलाफ अनुशासन को लेकर बिहार से आई बयानबाजी के कई मायने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब रुख झारखंड की खबरों की तरफ। झारखंड विधानसभा का शीत सत्र समाप्त हो गया है। 6 दिनों के छोटे सत्र में सदन में कुल 342 प्रश्न रखे गए जिसमें 206 प्रश्न अल्पसूचित थे, 69 प्रश्न तारांकित थे और बाकी के प्रश्न अन्य श्रेणी के थे। इस शीत सत्र में 4 ध्यानाकर्षण और 10 महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए। इस सत्र में खास बात यह रही कि सरकार की ओर से 51 सवालों के जवाब पर विधानसभा अध्यक्ष ने नाराजगी जताई और उन्होंने इस सत्र को औसत से कम अंक दिए। इधर झारखंड विधानसभा में विधायक फंड में बढ़ोतरी का मामला उठा। विपक्ष ने शून्यकाल में इस मामले को सदन में उठाया और उसके बाद सत्ता पक्ष से भी 3 करोड़ की राशि को 10 करोड़ करने की आवाज बुलंद होने लगी। विपक्ष ने बढ़ती महंगाई की दुहाई दी तो सत्ता पक्ष ने बेहतर विकास का दावा करते हुए फंड में बढ़ोतरी की मांग की। हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे हम अपने मन के मुताबिक कुछ विकास के कामों को कर सके। ऐसे में विधायक मत डूबते का एक सहारा होता है तिनका, तो हम कह सकते हैं कि भाई इस तिनके को थोड़ा मोटा कर दीजिए ताकि हम तैर सकें, अपने आप को बचा सकें। मेरा इतना ही आग्रह है कि इसको 10 करोड़ किया जाए। अगर 10 करोड़ करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि विकास में मजबूती मिलेगा, पारदर्शिता मिलेगा और धरातल पर जिस विकास को देखना चाहते हैं वो विकास देखने को मिलेगा, ये मेरा मत है। अगर विधायक कोटे की राशि से क्रियान्वित योजनाओं से अगर बेहतर सरकारी विभागों के काम होंगे तो मैं कोई चुनौती तो नहीं दे सकता, लेकिन संजीदगी के साथ कहना चाहता हूं, चाहे वो लघु सिंचाई विभाग हो चाहे भूमि संरक्षण विभाग हो, आपके यहां से बेहतर काम विधायक के द्वारा जो काम होता है वह होता है। इसलिए कि हम निगरानी करते हैं, अनुसरण करते हैं, इससे हमारा कैरियर डिपेंड करता है। शीत सत्र की समाप्ति के बाद विपक्ष ने झारखंड सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा है कि इस छोटे से सत्र में निराशा ही हाथ लगी है और सरकार पर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि वो सदन में ठीक ढंग से जवाब तक नहीं देती है। वहीं JVM विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि मिला जुला कर सदन का सत्र प्रभावी रहा लेकिन इसे और भी प्रभावी बनाया जा सकता था।
वहीं नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक साल बाद भी मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार नहीं कर पाना दुर्भाग्य की बात है। इस सदन को और प्रभावी बनाया जा सकता था और बेहतर बनाया जा सकता था अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का प्रयास होते। तुम्हें लगता है कि आने वाले दिनों में इन बातों से खास करके सत्ता पक्ष को और विपक्ष के भी तमाम सदस्यों को सीख लेकर के इस सदन को प्रभावी करना चाहिए। और मैं अगर कहूँ तो यह सदन प्रभावी ही रहा है, थोड़े बहुत तो इस प्रकार की विधायिका के कार्यों के निपटारे में थोड़े तेज, थोड़े आक्रोश, थोड़ी सरकार के ढील, इसीलिए सारी बातें आती पहले से भी रही। हर एक जवाब में अगर हम देखते हैं सरकार जो है जवाब जो है जो जिला से यहाँ पर आता है, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो और जो भी विभाग का हो, ये जवाब सटीक नहीं आ रहा है। आज हम इस बात का भी चर्चा कर रहे हैं कि आज आधा दिन का अवधि हो, आज भी हमारे माननीय स्पीकर साहब भी पढ़ रहे थे कि हम लोग ने ये निर्णय कर रहे हैं कि बजट सत्र 30 दिन का चले और दो सत्र जो है 10 दिन और 10 दिन करके चले, यानी कुल 50 दिन चले। अवधि बढ़ाने के लिए हम लोग भी जोर देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को भी गंभीरता से विषय को लेना होगा। कालीन सत्र कई मायने में काफ़ी महत्वपूर्ण सत्रों में से एक सत्र रहा है, जिसमें कुल लगभग 10 विधेयक आए जो इस राज्य के गरीब मजदूर जनता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। संविधान का उल्लंघन करते हुए जिस तरीके से एक साल पूरे होने के बाद भी सरकार का पूरा मंत्रिमंडल नहीं बन पाया है, ये सीधा सीधा संविधान का उल्लंघन प्रतीत होता है और ऐसे सरकार पर नीतिगत चीज़ों पर निर्णय लेना मैं नहीं समझता हूँ उचित प्रतीत होता है। झारखंड कैबिनेट में 22 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। राज्य में तेजस्विनी योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसके जरिए बालिका और युवा महिलाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने रांची के कांके में एडवांस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना को भी स्वीकृति दे दी है। झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना को भी सरकार ने मंजूरी दी है। राज्य के 151 सेवाओं को टाइम बॉन्ड किया गया है। बालिकाओं, युवा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु तेजस्विनी योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। ये योजना विश्व बैंक द्वारा संपोषित होगी। राज्य सेवा देने की गारंटी नियमावली 2011 के अंतर्गत समयबद्ध प्रदायी सेवाओं की सूची का विस्तार करते हुए नई अधिसूचना निर्गत करने का निर्णय लिया गया है। बिहार पुलिस ने पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की बेटी की बहू की हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। मांझी के नाते विक्की ने बताया कि 20 दिसंबर की रात उनकी पत्नी सोनी देवी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि ये उसने स्वीकार किया कि दोनों के बीच लड़ाई हुई थी और लड़ाई इतनी ज्यादा हुई कि उससे नाराज होकर उसकी पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उसी रात विष्णुपद श्मशान घाट पर उसकी लाश को विक्की ने जला भी दिया। इस मामले में पुलिस ने विक्की कुमार और उसके पिता योगेंद्र मांझी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हाँ, ये विक्की कुमार को गिरफ्तार किया गया है कि जो कांड हुआ उसके अनुसंधान के क्रम में इसकी गिरफ्तारी के पश्चात इसने जो बताया है कि उस रात जिस रात घटना घटी कि पति पत्नी के बीच इन दोनों में झगड़ा हुआ, फांसी लगा के मर गई है, तो इसने जो बताया कि ये लोगों ने उसी रात डेड बॉडी को विष्णुपद में ले जाके जला दिया। तो बाकी तो अनुसंधान का विषय है, लेकिन इसमें इनको गिरफ्तार करके भेजा जाता है। बिहार में चल रहे चिटफंड के खेल पर नकेल कसने को लेकर आज पटना के एसएसपी ने जिले के सभी थाना अध्यक्षों के साथ एक अहम बैठक की। बैठक के दौरान आरबीआई समेत कई बैंकों के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद सभी एसएचओ को इस तरह से मामलों की जांच कैसे निपटाया जाए इसकी जानकारी दी।
ना में जो सब SDPOs हैं और सब जो SHOs हैं उनके साथ मीटिंग हुई है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, चिट फंड कंपनीज, अवैध रूप से जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रही हैं उससे संबंधित, उसके बारे में उनको जानकारी दी गई है। RBI से भी और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ पदाधिकारी आए थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन के में क्या क्या होना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उस बिंदु पर उनको जानकारी दी है। सोमवार को बाढ़ से जिस छात्रा के अगवा होने की बात सामने आई थी उसे आज पुलिस की विशेष टीम ने बरौनी से सकुशल बरामद कर लिया है। पटना SSP के मुताबिक अपहरण की कहानी के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला है। मुझे सूचना मिली है, जो हमारे पदाधिकारी हैं उन्होंने कल से ही लड़की का अपहरण हुआ था, उसके बाद कल ही जो जिस गाड़ी से अपहरण हुआ था उसको बरामद कर लिया गया था और एक लड़के को भी पकड़ा गया था, उसके आधार पर आज जो है लड़की को बरामद कर लिया गया है। अभी बरौनी से सूचना आ रही है कि उसको बरामद कर लिया। मामला मूलतः प्रेम प्रसंग का है। वो लड़की पहले भी अपनी मर्जी से 1 महीना पहले भी यहाँ से भागी थी और उसने धमकी भी दी थी अपने घर वालों की, मैं जहर खा लूँगी अगर मुझे रहने नहीं दिया जाएगा। पर विस्तृत जानकारी तभी दी जा सकती है जब उसको यहाँ सामने लाया जाएगा और अपना बयान देगी। दिल्ली प्लेन हादसे में BSF के जवान किशोर रावत की मौत के बाद हजारीबाग में मातम का माहौल है। शहीद किशोर रावत की स्कूली पढ़ाई, ग्रेजुएशन और सीमा सुरक्षा बल में नौकरी हजारीबाग से ही हुई थी। शहीद के पिता BSF से रिटायर्ड होने के बाद परिवार समेत उड़ीसा में रह रहे हैं। शहीद किशोर रावत की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है। दानापुर के हाथीखाना मोड़ के पास ताराचक के लोगों ने NH-30 पर जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि 4 दिनों से लापता गौतम कुमार का पुलिस अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। गौतम घर से पढ़ने के लिए निकला था लेकिन वो कहाँ है इसका आता पता नहीं चल रहा है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि वो गौतम की तलाश में जुटी है। चतरा जिला में पंचायत चुनाव की मतगणना के दौरान बैलेट बॉक्स से फर्जी मतपत्र मिले हैं। इस मामले में प्रतापपुर थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जोगीडीह पंचायत में तीसरे चरण में मतदान हुआ था जिसमें बैलेट बॉक्स से फर्जी मतपत्र पाए गए हैं। आबाद जी पुरवैया की खबर के असर की जी मीडिया ने सिवान रेलवे स्टेशन पर नाबालिग बच्चों में नशा के बढ़ते लत की खबर दिखाई थी। इस खबर के दिखाए जाने के बाद स्वयंसेवी संस्था और RPF हरकत में आई। अब तक 20 बच्चों की पहचान कर उन्हें कई स्कूलों में दाखिला दिलवाया गया है। साथ ही भीख मांगने वाले इन बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया गया है। जी मीडिया की इस पहल का बुद्धिजीवियों और समाजसेवियों ने स्वागत किया है। और आरा से बड़ी खबर आ रही है। जगदीशपुर SDM को मोबाइल पर धमकी दी गई है। आंगनबाड़ी भवन नहीं बनवाने की धमकी दी गई है। बिहिया में बनना है आंगनबाड़ी केंद्र। जी मीडिया संवाददाता मनीष हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या ताजा अपडेट है आपके पास? जी राहुल, ये जो घटना है, जगदीशपुर के SDM जो बालमुकुंद प्रसाद है आज सुबह गए थे बिहिया में जहां आंगनबाड़ी केंद्र बनना था, वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने काम को रोक दिया था, वो वहां चालू कराने गए थे और शाम जब ये अपने आवास पर लौटे हैं तो इनके सरकारी मोबाइल पर धमकी दी गई है कि आप नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहेंगे। इस तरह की बातें आई हैं और उन्होंने इस मामले की जानकारी जिले के वरीय पदाधिकारी को दी गई है, साथ ही मामला दर्ज करने की बात कही जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष तमाम अपडेट्स के लिए। झारखंड के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को अगले साल बांग्लादेश में होने वाली अंडर-19 वनडे विश्व कप के लिए भारतीय टीम की कमान सौंपी गई है। चयनकर्ताओं ने आज 15 सदस्यीय टीम चुनी। एक और विकेटकीपर बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया है। ईशान के नेतृत्व में भारत ने सोमवार को श्रीलंका में आयोजित त्रिकोणीय वनडे सीरीज जीत लिया था। भारतीय अंडर-19 क्रिकेट टीम का कप्तान बिहार का बेटा ईशान किशन बना है। इस खबर के बाद ईशान के परिवार में खुशी है। ईशान का परिवार पटना के राजेंद्र नगर में रहता है। बेटे की इस उपलब्धि से पूरा परिवार खुशी से गदगद है। ईशान के माता पिता, भाई और कोच से खास बातचीत की जी मीडिया संवाददाता साकेत कुमार ने। ईशान किशन, उसका सिलेक्शन अंडर-19 टीम के कैप्टन के रूप में हुआ है, भारतीय अंडर-19 कैप्टन के रूप में। आप देखिए यहाँ पर पूरी फैमिली
यहाँ पर बैठी हुई है। हम बात भी करेंगे तमाम लोगों से कि आखिर कितनी बड़ी उपलब्धि है और किस तरह से ये लोग खुशी मना रहे हैं। सबसे पहले हम माँ से बात करते हैं, यहाँ ईशान किशन जी की माँ यहाँ पर बैठी हुई हैं। ये बताइए कितनी बड़ी खुशी की बात है आप लोगों के लिए? बहुत खुशी, उसका बयान नहीं कर सकते हैं कितनी बड़ी खुशी है भारत के लिए। मेरा बेटा खेलने जा रहा है, बस भगवान से यही दुआ करती हूँ कि वो भारत का नाम रोशन करे। कब से खेल रहा था, कैसे शुरुआत में, शुरू से ही लगता होगा आप लोगों को कि आगे जाके मेरा बेटा कुछ करेगा? हाँ, वो बचपन जब 6 साल का था उसी समय से खेलना स्टार्ट किया था, तो जो कोच उस समय होते थे उसने उसी समय बता दिया था कि ये इंडिया के लिए, ये क्रिकेट के लिए ही पैदा हुआ है। हम पापा से भी बात करते हैं, ये बताइए चूंकि पापा का एक दोस्ताना जो व्यवहार है वो सबसे अहम होता है जब कोई बेटा खिलाड़ी बनता है उसके परिवार से, आपके साथ कैसा व्यवहार था? हम लोग हमेशा दोस्ताना ही व्यवहार रखते थे, सारी बातें वो हमसे शेयर करता था और हम कोशिश करते थे कि जितना संभव हो उसको सपोर्ट करें, और हम लोग करते थे। मम्मी की थोड़ी डांट खानी पड़ती थी, लेकिन हम लोग प्रोग्राम रात में ही बना लेते थे कि कल मैच खेलना है, स्कूल नहीं जाना है। अच्छा, कोच भी हमारे साथ हैं जो कि लगातार उनके साथ बने रहते थे। ये बताइए कब आपको लगा कि ईशांत में वो क्षमता है कि वो देश के लिए खेलेगा? सबसे बड़ी बात है कि कोई भी गेम खेलता था, खासकर क्रिकेट, और भी गेम खेलता था, लेकिन क्रिकेट में उसका हमेशा बहुत ज़्यादा रुचि रहता था, और वो जो भी मैच खेला बचपन से ही वो अपने बड़े के साथ खेला, ये उसके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था। और बिहार से भी अंडर 16 खेल चुका है, फिर उसके बाद बिहार में थोड़ा क्रिकेट का प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हुआ, फिर झारखंड चल गया खेलने, हुआ फिर वहाँ से अंडर 16-19 रणजी ट्रॉफी और आज इंडिया, बहुत बड़ी बात है कि बिहार के माटी का एक लड़का आज देश के लिए क्रिकेट खेल रहा है, और देश के लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं खेल रहा है बल्कि अंडर 19 टीम का कैप्टन है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि बिहार के लिए भी है और गौरव की भी बात है। कैमरा पर्सन जितेंद्र झा के साथ साकेत कुमार, जी मीडिया, पटना। इधर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने मौजूदा वनडे और टी20 कप्तान महेंद्र सिंह को लंबी रेस का घोड़ा बताया है, साथ ही उन्होंने टेस्ट कप्तान विराट कोहली को एक दमदार क्रिकेटर बताया है। जमशेदपुर में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे सौरव गांगुली ने कहा कि राजनीति में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। लंबी रेस का घोड़ा तो बन ही चुका है, आगे भी जाएंगे, और मैं समझता हूँ कि भारत झारखंड खुशकिस्मत है कि महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी मिला है। देखिए, समय दीजिए, उनको यंग प्लेयर है, 19 साल की उम्र के नीचे है और अंडर 19 टीम के कप्तान है, और मैं ये कहूँगा कि धोनी से सीखे और धोनी ने अपने करियर कैसे बनाया उसी तरीके से चले। पटना विमेंस कॉलेज में क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर अलग अलग धर्मों के लोग एक मंच पर नजर आए। कार्यक्रम का मकसद समाज में अमन शांति का संदेश देना था। इस मौके पर फादर ने कहा कि आज समाज धर्म जाति और भाषा के आधार पर बंट गया है, जिसे बांटने की जरूरत है। और पुरवैया दिन भर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।